हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर है, कक्षा 9वीं का पेपर, उसका सॉल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। इस हेतु बच्चों हम आपको बोलना चाहेंगे कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर डेफिनेटली मिलेंगे और 9th से लगाकर तो 12वीं तक की सभी कक्षाओं के फुल सॉल्यूशन बिल्कुल आपको हम प्रदान करवाएंगे, ठीक है। इस हेतु यहाँ पर आप राइट मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन को राइट किया है और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन से आपके राइट हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप प्रश्न का सारणी देख सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, वो उसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न बच्चों, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन कीजिए, कर दी लिखिए, यानी कि पहला जो प्रश्न आया था वो सही विकल्प में प्रश्न था। चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आपने को वन राइट आंसर चूज करना था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी कि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था बच्चों, तो वो हुआ था मई 1945, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है रूस देश को। कौन से देश को? रूस को, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत बच्चों यहाँ पर जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जो धुआंधार जो जलप्रपात है बच्चों, वो यहाँ पर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, यानी कि का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि सबसे जो गरीब जो राज्य है वो भारत में कौन सा है, तो बच्चों भारत में जो सबसे गरीब राज्य है वो है बिहार, सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी अपने को, तो पहला जो ऑप्शंस जो दे रखा है वो दे रखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे ना बच्चों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, एडोल्फ हिटलर का जन्म में हुआ था, तो कब हुआ था, यानी कि उसका हुआ था 26 अप्रैल 1890 में हुआ था, आइसुया में। कितने में हुआ था? यानी कि 26 अप्रैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 26 अप्रैल 1890 में आसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? आसिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि की यदि बात किए जाए ना बच्चों, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी मैदान मृदा से बना है, तो कौन सी मृदा से बना है? वो बना है जलोद। किससे बना है? जलोद से बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न मांग, 4 अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, तो कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? तो अर्थव्यवस्था को बच्चों यहाँ पर 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। कितने में? 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, तो उसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू, यानी कि गर्म हवा। क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा को लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है अपने को। यहाँ पर रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए, तो रूसो की पुस्तक का नाम था बच्चों यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक का नाम था द सोशल
कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हम। दूसरा प्रश्न था आपका, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? तो रूस में जो सामूहिक खेतों को बच्चों जहाँ पर जाना था उसको जाना था कोलखोज। किससे जाना जाता था? कोलखोज के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कोलखोज, ओके। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर बन रहा है आपका, यानी कि आपका जो अगला प्रश्न है वो है, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता जर्मन राजनेताओं के लिए। किसके लिए किया जाता था? यानी कि तीसरे का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर, वो बन जाएगा आपका जर्मन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जर्मन राजनेताओं के लिए, राजनेताओं, जर्मन राजनेताओं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो अरब सागर में जो किसी एक द्वीप का नाम है वो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या आ जाएगा? यानी कि 4 का आंसर बन जाएगा, नंबर 4 का बन जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो डेमोक्रेसी भाषा की जो उत्पत्ति हुई ना वो हुई है आपकी यूनानी भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है? वो यूनानी से हुई है, आपका आंसर बन जाएगा यूनानी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान बच्चों यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। क्या आंसर आ जाएगा आपका? द्वितीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी कि सही जोड़ी अपने को इसमें बताना है, सही जोड़ी का राइट आंसर अपने को निकालना है, ठीक है। आई होप आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। और हम आपको अगेन कहना चाहेंगे माई डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको 9th से लगाकर तो 12th तक ही आपको पहुंचा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा और हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। मैं सभी क्लास के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 बन रहा है आपका। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी का प्रश्न था, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, ये आ जाएगा आपका कार्ल मार्क्स का। क्या आ जाएगा? पहले का, यानी कि बावला, ठीक है। आर्थिक मंदी, तो आर्थिक मंदी आ जाएगी 1929। विश्व का सबसे बड़ा देश, तो विश्व का सबसे बड़ा देश बन जा बच्चों आ जाएगा रूस। क्या आ जाएगा? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सांभर, तो सांभर यानी कि खारे पानी की एक झील है सांभर नाम, ठीक है। निरकुंज शासन, यानी कि निरकुंज शासन का आंसर जो बनकर आ रहा है वो बन जाएगा आपका तानाशाही। और बी आर अम्बेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सत्य असत्य बताना है यहाँ पर इसमें अपने को, यानी कि भारतीय संविधान अलिखित है तो ये अलिखित नहीं, लिखित है भैया जी, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया आपका। क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा, मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, यानी कि बिल्कुल शामिल थे, ये आपका दूसरा है जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये दूसरा प्रश्न आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लेते, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, देश के खनिज भंडार उत्तरी मैदान में नहीं है, असत्य हो गया ये भी, यानी कि तीसरा वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। चौथा देख लेते, कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, ये भी असत्य हो गया या नहीं है, ठीक है, यानी कि चौथे का असत्य हो गया। पांचवा देख लेते हैं, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल बनती है, यानी कि आपका पांचवा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मौसमी बेरोजगार द्वितीयक क्षेत्र में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है, यानी कि ये लास्ट वाला अपना असत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको हमारे सारे आंसर बिल्कुल समझ में आए होंगे, बाकी के आंसर के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि मैं आपको सभी विषयों का सॉल्यूशन पूरा करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।